शनिवार को जारी हुए पीटीईटी परीक्षा 2020 में बाड़मेर के रमेश कुमार पुत्र प्रेमाराम भादू ने पूरे राजस्थान में तीसरी रैंक हासिल की है। उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार भंवर सिंह भाटी ने फोन पर सफलता की बधाई दी है। रमेश कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। रमेश के पिता प्रेमाराम भादू श्री किसान केसरी विद्यालय बाड़मेर के संचालक होने के कारण पढ़ाई का पूरा माहौल मिला है। इस सफलता पर परिजनों स्नेहजनों विद्यालय स्टाफ ने माला साफा पहनाकर और मुंह मीठा कराकर बधाइयां दी। जो तीसरी रैंक इस एग्ज़ाम के अंदर हमने प्राप्त की है उसका पीछे का जो अगर मैं श्रेय देना चाहूँ तो अपने माता पिताओं को और अपने गुरुजनों को। बचपन से ही जो शिक्षा के माहौल के अंदर मैं रहा हूँ, स्कूल के अंदर पढ़ा, लगातार एजुकेशन के माहौल में रहा और फिर कॉलेज में बाड़मेर का जो स्थानीय महेश कॉलेज है वहीं से मैंने निदेशक जो प्रदीप जी राठी हैं उनके और प्राचार्य सगत सिंह जी के मैंने उनके अंदर में मैंने शिक्षा ग्रहण की थी। और कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो बीएससी करने के साथ साथ हम कंपटीशन की तैयारी जो होती थी वो ही उसी कॉलेज में होती थी। और एसटीसी भी मैंने बाड़मेर डाइट से लक्ष्मीनारायण जी जोशी सर हैं तब की थी वहाँ से डाइट से। और अभी एमएससी कर रहा था मैं और पिछले जो कई सालों से मैं कंपटीशन की तैयारी कर ही रहा था और इसी दौरान मैंने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया बीएड करने के लिए और तेजा जी की अनुकंपा से तीसरी रैंक जो मेरे को राजस्थान में प्राप्त हुई। एसटीसी जो की वो प्राइमरी लेवल के अंदर डिप्लोमा होता है एक एसटीसी का जिसके अंदर आप जो रीट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर लेवल फर्स्ट के अंदर आप अप्रूव हो सकते हो। बीएड भी कैसे आप क्या उच्च क्लासों के अंदर उच्च कक्षाएं के अंदर जो होती है उन कक्षाओं के अंदर अगर मेरा जो टारगेट है वो है शिक्षक बनना और अगर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ तो मेरे को बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। मैंने एमएससी कर रखी है, बीएससी मेरे कंप्लीट है, एमएससी मेरे चल रही है और इसी एग्ज़ाम के साथ मैं बीएड भी कर लूँगा और आने वाली जो भविष्य के अंदर भर्तियाँ होगी उसके अंदर शिक्षक भर्ती के अंदर मैं भाग लूँगा। और अभिभावकों और गुरुजनों का अगर ऐसा ही आशीर्वाद रहा तो अगली सफलता भी ज़्यादा दूर नहीं होगी।